कौन कहता है कि बूढ़े एक्स नहीं करते, कौन कहता है कि बूढ़े एक्स नहीं करते, एक्स करते हैं मगर लोग उन पर। भारत एक ऐसा देश है जहां देसी कलाकारों की कोई कमी नहीं है। आज के स्टूडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो अपने एक अलग ही अंदाज़ में ढोलक बजाने के कारण सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जी दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे भूरा ढोलक के बारे में। यह वही भूरा ढोलक है जो फरमाने नाज के साथ वीडियो में दिखाई देते हैं। अगर आप भी भूरा ढोलक की संघर्षमय कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भूरा ढोलक के लाखों लोग फैन हैं, पर भूरा को यह सफलता बैठे बिठाए या रातों रात नहीं मिल गई। इसके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है। वीडियो बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। भूरा ढोलक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। भूरा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भूरा के पापा भी ढोलक बजाने का काम करते थे। भूरा के पिताजी की डेथ होने के बाद घर की सभी जिम्मेदारियां भूरा पर आ गई, जिसके बाद भूरा ने अपना घर खर्च चलाने के लिए ट्रेन में ढोलक बजाने का काम शुरू किया। भूरा ने ये काम लगभग 6-7 साल तक किया। भूरा प्रतिदिन ट्रेन में ढोलक बजा कर 600-700 रुपये के लगभग कमा लेते थे। भूरा के ढोलक बजाने और गाने का अंदाज कुछ अलग ही था। जब भूरा के बारे में आशु बच्चन और राहुल को पता चला तो वे भूरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। 5 से 6 दिन की कोशिश के बाद आशु बच्चन व राहुल की मुलाकात भूरा से हुई। आशु बच्चन और राहुल ने भूरा को एक अच्छा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ट्रेन वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, इसलिए तुम्हें ट्रेन में ढोलक बजाना होगा और हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। इस काम के लिए हम तुम्हें प्रतिदिन अच्छा खासा पैसा भी देंगे। जिसके बाद भूरा ढोलक ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अभी भूरा ढोलक, फरमानी नाज का भाई फरमान, आशु बच्चन और राहुल आदि को मिलाकर 7 लोगों की टीम है। ये सभी मिलकर काम करते हैं। बात करें इनके सोशल मीडिया फैंस फॉलोइंग की, तो भूरा का यूट्यूब चैनल भूरा ढोलक के नाम से है, जिस पर 1.66 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और साथ ही 237 वीडियो अपलोड हैं। ये थी दोस्तों भूरा ढोलक की छोटी सी लाइफ स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ।